फादर प्रणाम, मैं काजल शाह। आज हम सभी बच्चों ने सोचा है कि आज हम होममेड सैंडविच बनाएंगे, जिसके लिए सारे बच्चों ने बहुत ही बारीकी से टमाटर को कट किया है, प्याज को, गाजर को और खीरा और हरी मिर्च को। देखिए साथ ही साथ बहुत ही पावरोटी, मक्खन आज सभी बच्चे तैयार करने के जो उसमें कि आज हम सैंडविच होममेड बना के ही। सभी बच्चों ने बहुत ही बारीकी से आलू को बहुत ही मही पूरा उसको काटा है, बहुत ही अच्छे से छीला है, बहुत ही मेहनत लगा है सारे बच्चों को। और तो मक्खन का ये आ गया है, मक्खन वो लोग सैंडविच में लगाएंगे पावरोटी में और होममेड सैंडविच बनाएंगे। वाओ, देखिए अब हमारे पास सामग्री आ चुकी है, अब हम धीरे धीरे कैसे बनाएंगे आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिएगा। देखिए ये सारी सामग्री आ चुकी है, किसान जैम और ये मक्खन, आलू बहुत ही मेहनत से छिला हुआ और ये सारी सामग्री, पाव रोटी, नींबू, और अभी हम बनाने की ओर बढ़ने वाले हैं। चलिए बीटनूट, नींबू और ये सॉस सब कुछ आ चुका है, अब सारे बच्चे हम लोग मिलकर बनाने वाले हैं। सभी हम लोग सामग्री को एक साथ मिक्स कर रहे हैं, जैसे कि गाजर, खीरा, टमाटर, प्याज और हरी मिर्च। अभी हम लोग आगे और भी इसको बेहतरीन तरीके से बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए सब कुछ, सॉस, नमक डालेंगे अब, नींबू साथ ही साथ, सब नींबू बहुत ही सामग्री में सब नींबू को मिक्स कर रहे हैं। उसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से इसे मिक्स किया जा रहा है। वाओ, होममेड सैंडविच बनने वाला है। देखिए सबके सॉस को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर रहे हैं, क्योंकि होममेड खाने से क्या होता है ना, इससे हमारे स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा होता है। देखिए बहुत ही अच्छे से बच्चे लोग मिक्स कर रहे हैं, देख सकते हैं। वाओ कितना अच्छा लग रहा है देखने में। देखिए बहुत ही मजेदार सा बच्चे लोग मिला रहे हैं बहुत ही जोश के साथ। आज हम लोग होममेड सैंडविच को बनाएंगे। देखिए सब सैंडविच बनाने के जोश में हैं। सभी कैसे पाव रोटी में मिलाया जा रहा है। वाओ, अब इसके ऊपर हम लोग आराम से दूसरे पाव रोटी को ढके। देखिए वाओ कितना बेहतरीन तरीके से बना है। चलिए चलिए चलिए, वाओ बहुत अच्छा। देखिए अब हम लोगों ने एक ब्रेड को एक और ब्रेड रख दिया, तो ये हमारा फाइनली सैंडविच बना है, लेकिन इसमें और हमें कुछ करना है और इसे और बेहतर बनाना है। सैंडविच भी तैयार किया जा रहा है, देख सकते हैं। वाओ बहुत अच्छा। देखिए कितना अच्छा से एक होममेड सैंडविच बनके तैयार है और हम इन सभी को अभी तैयार करेंगे। ये अब तीसरा सैंडविच बन रहा है हमारा। अब ये बच्ची बहुत ही अच्छे से इसको, ओह वाओ, देखिए तीसरा भी हमारा बनके तैयार हो गया। तो फाइनली हम लोगों ने सैंडविच बनाने की प्रक्रिया को हम लोगों ने कर दिया है। अब हमारा सैंडविच ये आधा बन चुका है, अब इसको हम सेकने वाले हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं इसके सेकने की ओर। सैंडविच को अब हम लोगों ने थोड़ा सा सेक लिया है, थोड़ा हम लोगों ने गर्म कर लिया है, अब इसको हम खाएंगे। चलिए हम सभी ने बहुत ही अच्छा से मेहनत करके सैंडविच को बनाया है, तो आप सभी को बहुत बहुत सादर धन्यवाद। क्या